हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे लौकी का रायता। ये खाने के साथ में हो तो खाने का स्वाद भी बढ़ाते हैं और पाचन को भी सही रखते हैं। और ये रायते कई तरह के बनते हैं। तो लौकी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लौकी लेंगे। लौकी आप ऐसा लें जिसमें बीज ना हो, छोटे साइज का। मैंने यहाँ 250 से 300 ग्राम का लौकी लिया है। इसे आप अच्छे से छील कर वॉश करके इस पे इसको घिस लें। तो देखिए, इसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे और लौकी को इस पे कुक होने के लिए चढ़ा देंगे। तो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट के बाद कद्दू हमारा इस तरह से पक चुका है। तो इसे थोड़ा देर और पका लेंगे। अब 10 से 15 मिनट हो चुका है और कद्दू हमारा अच्छे से पक चुका है, देखिए। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको इससे छान कर ठंडा होने के लिए रख देंगे इस तरह। तो जब तक हमारा लौकी ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम गैस पे तवे को गरम करेंगे और तवा गरम हो जाए तो इस पे हम 1 चम्मच जीरा को रोस्ट कर लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा लाल करके नहीं भूनना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे। अब जीरा हमारा रोस्ट हो चुका है तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं राई 2 साइज में होता है, तो हम छोटे साइज वाला यूज़ करेंगे इसमें। ये रायते के लिए बेस्ट है। और अगर आपको ये ना मिले तो घबराएं नहीं, आप कोई भी राई या सरसों यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, इसे हमें रोस्ट नहीं करना है। बहुत लोग राई या सरसों को रोस्ट करके बनाते हैं, बट एक बार आप मेरे तरह बना के देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे इस तरह, देखिए। अब हमारा लौकी भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब इसको अच्छे से निचोड़ कर इसका पानी अलग कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने सारी लौकी में से पानी को निचोड़ कर अलग कर लिया है इस तरह, देखिए। अब इस पानी को आप फेंके नहीं, इसे आप सब्जी में, सूप में डालें, या इसे आप आटे भी गूंथ सकते हैं। अब इसके लिए हम फ्रेश दही लेंगे। तो मैंने यहाँ दही 2 कप लिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और पिसा हुआ मसाला जो हमने बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कद्दू को डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लौकी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक ओखली में 5 से 6 लहसुन की कलियां लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह से काट के लेंगे। तो तीखा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसे अब हम कूट लेंगे। दोस्तों, इसे हमें ज़्यादा नहीं कूटना है, बस हल्का सा ही इसे कूटें इस तरह। अब हम गैस ऑन करेंगे और तड़का पैन को गर्म होने के लिए इस तरह चढ़ा देंगे। फिर इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तो इसमें चूरा हुआ लहसुन और मिर्च को इसमें डालकर पकाएंगे। तो इसको हमें ज़्यादा देर भी नहीं पकाना है, बस हल्का सा लाल हो जाए तभी तक पकाएंगे। तो अब यह पक चुका है तो इसे अब दही में डालकर इसे छौंका लगा देंगे इस तरह, देखिए। और लास्ट में इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो दोस्तों, ये हमारा डिश रेडी है, लौकी का रायता। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, ये आपको बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगेगी।